हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। जैसा कि आप सबको पता है कि साल 2019 से जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को मिल रही है 10% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस कैटेगरी के तहत मिलने वाले बेनिफिट का फायदा केवल जनरल कैटेगरी को में आने वाले कैंडिडेट्स ही उठा सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी इसमें नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सीट रिजर्वेशन सरकार द्वारा दी हुई है। लेकिन उसके लिए 6 कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है, जिसको अगर कैंडिडेट पूरा करते हैं, उसे फुलफिल करते हैं, तभी वो इस बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो 6 क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा। तो शॉर्ट में मैं फिर से बता देती हूँ, वो 6 कंडीशंस हैं। सबसे पहला कि कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, किसी डिसएडवांटेज कैटेगरी में वो ना आता हो, यानी एससी, एसटी, ओबीसी का कैंडिडेट वो ना हो। दूसरा, फैमिली की टोटल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर उस कैंडिडेट की फैमिली के पास कोई एग्रीकल्चरल प्लॉट है तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। अगर फैमिली के पास कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो उसका मैक्सिमम एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर फैमिली के पास कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है जो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में आता है तो उसका मैक्सिमम एरिया 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंशियल प्लॉट अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में आता है तो उसका मैक्सिमम एरिया 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अगर ये 6 क्राइटेरिया कैंडिडेट फुलफिल करता है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दी जाने वाली 10% रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है। ये 6 क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का चयन करने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट दी गई है कि वो इनकम कट ऑफ को इंक्रीज कर सकता है। इसलिए अलग अलग स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। सरकार ने इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट फिक्स किया है। अगर सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना हुआ है तभी उसकी मान्यता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है। एनेक्सर 1 गवर्नमेंट ऑफ, इसमें इंडिया आएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर्टिफिकेट नंबर, डेट, वैलिड फॉर द ईयर। This is to certify that Sri Srimati Kumari, son and daughter, wife of permanent resident of village or street, post office, district in the state or union territory, pin code whose photograph is attested below, belongs to economically weaker section since the gross annual income of his or her family is below rupees 8 lakh for the financial year. His or her family does not own or possess any of the following assets: 5 acres of agricultural land and above, residential flat of 1000 square feet and above, residential plot of 100 square yards and above in notified municipalities, residential plot of 200 square yards and above in the area other than notified municipalities. Sri Srimati Kumari belongs to the caste, is not recognized as a scheduled caste, scheduled tribe and other backward class central list. सिग्नेचर विथ सील ऑफ ऑफिस, नेम, डिजिग्नेशन, और यहाँ पे नीचे में रिसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। अब देख लेते हैं कौन कौन सी अथॉरिटी है जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, जिनके द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट की मान्यता होगी। वो अथॉरिटीज जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। इन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि जिस कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वो जेन्युइन हो, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया है वो सही हो और वो सारे 6 क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो उसे फुलफिल करता है।
इन सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद ये अथॉरिटीज इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी करती है। अगर कोई कैंडिडेट 10% रिजर्वेशन के तहत कोई गवर्नमेंट जॉब लेता है और बाद में किसी स्टेज पे आके ये पता चलता है कि उसने जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाया था वो गलत कागजात के आधार पे बनाया था, यानी जेन्युइनली वो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो उनका जॉब टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो सही हो, और ताकि जेन्युइन कैंडिडेट को ही इसका फायदा मिल पाए। अब देखते हैं EWS जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या सीट रिजर्वेशन के अलावा भी कोई बेनिफिट मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% सीट रिजर्वेशन के अलावा एज में रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी उन्हें ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेता है तो अगर जनरल कैटेगरी की एज मैक्सिमम 30 है तो ओबीसी को 33 मिलेगा। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कितनी बार उस जॉब को वो ट्राई कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी को 3 times दिया गया है तो ओबीसी कैंडिडेट को 5 times दिया गया है। पर अभी फिलहाल ये बेनिफिट EWS जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं मिली है। अभी केवल 10% सीट रिजर्वेशन का ही बेनिफिट इस कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।